नागपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 3 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने नागपुर जिले के हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में हाल ही में 4 घरों में सेंध लगाई थी। पुलिस के अनुसार बदमाश साहिल पठान ने उसके नाबालिग साथी के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार साहिल पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनके कब्जे से सोने के आभूषण, एक मोटरसाइकिल और लैपटॉप बरामद किया जिसकी कुल कीमत करीब 3,62,000 रुपए बताई गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। हमारे हुड़केश्वर के डीबी पतक के एपीआई भलाविया और उसकी टीम में को एक गोपनीय जानकारी मिली थी। उस जानकारी के मुताबिक साहिल पठान करके एक आरोपी है जो आशीर्वाद नगर का रहने वाला है, उसको ताबे में लिया गया था और उसको ताबे में लेने के बाद में हमारे यहाँ के 4 घरपोड़े के गुन्ने उसके पास से डिटेक्ट हो गए। उसका एक साथीदार था, विधि संघर्षग्रस्त बालक था, ये दोनों ने मिल के 4 जगह पर घरपोड़ी की थी। साहिल पठान ये रिकॉर्ड में का आरोपी क्रिमिनल है, उसके 7-8 गुन्ने पहले से ही दाखिल है। कुल मिलाकर हमने ये घरपोड़ी में 3,62,000 रुपये का मुद्देमाल हस्तगत किया गया है। उसमें सोने के दागिने है कुछ और उसमें 2 लैपटॉप है और उसकी गाड़ी है, ऐसा कुल मिलाकर 3,62,000 का मुद्देमाल हस्तगत किया गया है। ये आरोपी जो साहिल पठान है ये पहले भंगार का काम करता था, भंगार बेचने का और कलेक्ट करने का काम करता था और जो विधि संघर्षग्रस्त बालक है वो कुछ काम करता नहीं है। दोनों भी अभी फिलहाल में बेकार ही है।